कहाँ का ये? दुबई है। डर लगता मुझे। अच्छा अच्छा बहुत प्यारा है। आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा गणेश। पाकिस्तान में क्योंकि एक दिन मतलब कि चतुर्थी होती है, तो दूसरे दिन जो है वो विसर्जन कर दिया जाता है। तो आज हम देखेंगे किस तरह से होता है, हमारे पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। सो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, तो आज भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये पीछे मेरा व्यू देख लो, और थोड़ा सा अभी शाम का टाइम है, अजान होने वाली है, तो अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या अंदर हो रहा है। तो लोग आ रहे हैं, दान कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग पैसे ज्यादा दे रहे हैं। सही सही, आपको मेरी तरफ से मुबारक हो गणेश चतुर्थी। और अंदर पूजा भी रखी हुई है गणेश। पूजा अभी कब स्टार्ट होगी? अभी स्टार्ट ही है वो पूजा, और वो जो यज्ञ हवन हमने रखा हुआ। अच्छा, है ना, अच्छा। जो सिलाब से मुतासरी लोग हैं उनके लिए हमने दुआएं कर रहे हैं, जो उनको दुख तकलीफ परेशानी में अल्लाह पाक तकलीफ दे जाए। सही सही, चले मैं देखती हूँ। तो ये इन्होंने यहाँ पे सैलाब के लिए जो है पूरा सिस्टम बनाया, तो ये लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे स्टॉल बनाया हुआ है इन्होंने, जो सैलाब की वजह से जो मुतासिर हुए हैं। तो कुछ लोग दान कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा दान कर रहे हैं, इसके अलावा ग्रॉसरी वगैरह जो है वो दान कर रहे हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके। सो यहाँ पे मतलब हर कम्युनिटी से बिलोंग जो भी करता है वो यहाँ पर आके दान कर रहा है। तो ये टेंपल के बाहर जो है इन्होंने एक स्टॉल लगाया हुआ है, तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके विजिट करते हैं। कहाँ का ये? कहाँ का ये? दुबई है। हाँ, दुबई है। दूर लोग से डर लगता मुझे। अच्छा अच्छा बहुत प्यारा है, बहुत डर लगता है इसे। और मैं आपको पता ही है, मेरा अगर व्लॉग आपने देखा हो तो मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं तो इनसे दूर ही रहती हूँ। एनिमल वाला व्लॉग देखा होगा आप लोगों ने। आज वो पीले वाले फूल नहीं रखे आपने? अच्छा, thank you।
सुख दाता, नंद कुमारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। भाव भगत से कोई शरणागत आवे, सनत संपद ये खूबसूरत हो गया। बजाओ जरा, हाँ बजाओ जरा, एक हाथ से बजाते हो, एक हाथ से, सही सही, बहुत अच्छा बजा रहे थे। लगता है मेरा चैनल का नाम आपके बाबा का नहीं, मेरा चैनल है खाली साइमा पीरजादा, मेरा चैनल है साइमा पीरजादा। नहीं था और मुझे 4 बजे का बोला था, लेकिन मैं नहीं आई, मुझे पता था कि लास्ट टाइम की तरह इस बार